सूजी के गोलगप्पे, चाहे इसे पानीपुरी कहो या गोलगप्पे, ये पूरे हिंदुस्तान का फेवरेट स्ट्रीट फूड है। और मुझे स्पेसिफिकली ये सूजी वाली जो पूरी होती है ना, जो दिल्ली में या नॉर्थ साइड में ज़्यादा मिलती है, वो मुझे बहुत 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 पसंद है। तो बस हियर आई एम विद द रेसिपी ऑफ दिस सूजी वाली पानीपुरी। सबसे पहले सूजी लेनी है और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और ऑयल डालना है। इसमें सूजी और ऑयल का जो प्रपोर्शन है ना, वो बहुत मैटर करता है, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर प्रपोर्शन के साथ लें। तो बस अभी ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी सूजी जो है वो ऑयल से अच्छे से कोट हो जानी चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सिर्फ आटे को एक साथ ले आना है और फिर उसे रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद आप देखोगे तो सूजी में थोड़ा सा चिकनापन आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे आप उसे नीड करना शुरू करोगे तो ये आटे के जैसे एक प्रॉपरली चिकनापन पकड़ने लगेगा और एक ग्लूटेन फॉर्मेशन जैसा उस पर होने लगेगा। इसका जो नीडिंग प्रोसेस है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बस अभी इसकी छोटी छोटी लुइयां करनी है और मेक श्योर के सारी लुइयां करके उसको एक वेट क्लॉथ में, यानी कि मसलिन क्लॉथ से कवर करके रखना है। वो बिल्कुल भी सूखना नहीं चाहिए, तो बस अभी उसको धीरे धीरे बेलेंगे, और बेलने के वक्त भी सारी पूरियां जब आप बेलते हो तभी भी उसके ऊपर एक गीला कपड़ा जो है वो ढक के रखना है। अगर आपकी पूरी ड्राई हो गई बेलने के वक्त तो ये फूलेगी नहीं। तो बस अभी इसको बहुत ही गर्म तेल में फ्राई करना है। इसलिए जब भी आप ऑयल में इसको डालते हो तो मेक श्योर कि ऑयल का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही हाई होना चाहिए, और डालने के बाद उसको धीमी आंच पे एक बार सारी पूरी पफ अप हो जाए, फिर उसको मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी कितनी क्रिस्पी है। कितना आसान था ना वो दिल्ली वाले गोलगप्पे घर पे बनाना। और सबसे और दिल्ली में जो गोलगप्पे का स्टफिंग होता है उसमें काबुली चने होते हैं। उसके लिए मैंने उबले हुए आलू लिए, उबले हुए काबुली चने लिए, उसमें थोड़ी सी प्याज डाली, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, भुना हुआ जीरे का पाउडर और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नॉर्थ साइड जो भी गोलगप्पे मिलते हैं उसका स्टफिंग हमेशा ऐसे ही बनता है। गुजरात साइड अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे जो देसी वाले ब्लैक चने आते हैं उसका स्टफिंग बनता है। मुंबई साइड अगर जाए तो वहाँ पे ममरी का या मूंग का स्टफिंग होता है, और वही कैलकटा साइड जाए तो वहाँ पे काले चने का स्टफिंग होता है। तो बस अभी इसका पानी बनाएंगे। उसके लिए एक मिक्सचर जार में बहुत सारा धनिया लेना है, फुदीना लेना है, अदरक लेना है, थोड़ी सी हरी मिर्च, गुड़, काला नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा इमली का पल्प, और उसमें बहुत सारे आइस क्यूब डालेंगे। आइस क्यूब डालने से इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा निखर के आएगा, और लास्ट में थोड़ा सा नमक डाल के ये सब चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है। आप देख सकते हैं आइस क्यूब डालने से इसका कलर जो है पानी का वो भी बहुत अच्छा सा निखर के आया है, और इसका फ्लेवर जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनहेंस होगा। तो बस अभी इसमें ऊपर से और 3 से 4 ग्लास पानी डालेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस और कटे हुए नींबू के स्लाइस और बहुत सारी बूंदी डालेंगे। तो बस मेरा पानी भी तैयार है, मसाला भी तैयार है, और सूजी वाली जो पूरी है वो भी तैयार है। I just cannot wait to have this. आज ही इसको घर पे बनाना और ट्राई करना, और मुझे बताना कि वही लारी वाली फीलिंग आई कि नहीं आई।